हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और जैसा आप जानते हैं, हम यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ऐसे ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो कोई भी टीचिंग एग्जाम देने जाएंगे, आप एच टेट, सी टेट, यूपी टेट या DSSB कहीं भी जाएंगे, और ये इसी में नहीं, कई बार अदर सब्जेक्ट्स में भी काम आती हैं, वो है फ्रॉयड की थ्योरी, सिगमंड फ्रॉयड। अगर आपने नाम पढ़ा है, सुना है, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि पेपर में कितने सारे क्वेश्चन इस थ्योरी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम वो थ्योरी करने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट से जरूर बताएं कि आपको समझ आता है या नहीं आता। अब हम करेंगे साइको एनालिटिक अप्रोच। कल मैंने अप्रोच की वीडियो करवाई थी, वो आप जाकर देख लो, क्योंकि पर्सनैलिटी को समझना बहुत जरूरी है। मनोविश्लेषणात्मक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक उपागम, पर्सनैलिटी का साइको एनालिटिक अप्रोच क्या होती है? मनोविश्लेषणात्मक, मन का विश्लेषण करके समझना, मन को टुकड़ों में डिवाइड करके, पार्ट में डिवाइड करके समझना, वो होती है मनोविश्लेषणात्मक उपागम। ये किसने दिया था? ये दिया था सिगमंड फ्रॉयड ने। किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉयड ने। और इनका जन्म 1856 में हुआ था और 1939 तक ये रहे थे। ठीक है, अब ये थ्योरी कब दी थी इन्होंने? ये दी थी 1923 में। फिर इसके बाद कुछ अपडेट किया 1933 में। फिर लास्ट में इनकी 1940 में ये लास्ट उनकी पब्लिकेशन थी, बुक थी, जिसमें उन्होंने इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा और ऐड करके बताया था। ठीक है, तो ये हमारे तीन इसके अलग अलग सन हैं, आपको ध्यान रखने हैं। और इसके साथ ही सिगमंड फ्रॉयड थे, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे। ऑस्ट्रिया से थे ये, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने ये थ्योरी कब दी थी? अपने अंतिम सालों में। क्यों? देखो, 56 में जन्म हुआ था और 23 में दी थी, तो उन्होंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर ये थ्योरी दी थी। 40 साल का अनुभव एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर ये थ्योरी उन्होंने बताई थी। उनके क्लिनिक में जो भी पेशेंट आते थे, उनके बारे में वो डिटेल स्टडी करते थे। ठीक है, उनकी केस स्टडी बनाते थे, और उस आधार पर उन्होंने ये थ्योरी दी है, जो आज भी काफी सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं या अलग अलग प्रोफेशन में हैं, उनको बीमारी के बारे में समझने में, पेशेंट के गहराई तक जाने में, रूट कॉज, मूल कारण क्या है बीमारी का, वो समझने में ये थ्योरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम पढ़ेंगे। इनकी थ्योरी का नाम क्या है? मनोलैंगिक सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल सिद्धांत थ्योरी। ठीक है, साइकोसेक्सुअल, तो साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है उसमें स्टेज है, वो हम कल करेंगे। आज पहले इसके बारे में जो इन्होंने कॉन्शियस, जो मन के स्तर बताए हैं, वो करेंगे। साथ में ईड, ईगो, सुपर ईगो, जो पर्सनैलिटी के तीन पार्ट होते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम करेंगे। और आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखना, अगर आपको ये थ्योरी समझ आती है तो सोच लीजिए कि आपने अपने बारे में, अपने मन के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। फ्रॉयड ने कॉन्सियसनेस, चेतना, मन के तीन लेवल बताए हैं, थ्री लेवल, तीन स्तर बताए हैं। सबसे पहला होता है कॉन्सियस यानी चेतन स्तर। ठीक है, नंबर दो पे बताया सब कॉन्सियस, इसको कई बार प्री कॉन्सियस भी बोल देते हैं, प्री कॉन्सियस। और थर्ड पे है अनकॉन्सियस, अचेतन। अब ये चेतन, ये अचेतन, तो बीच में क्या हो जाएगा? अर्ध चेतन।
अर्ध चेतन या कई बार अवचेतन भी बोल देते हैं, अवचेतन। क्लियर हुआ? तो चेतन क्या होता है, कॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियस लेवल कहते हैं ना भाई। तो कोई मान लो गुस्से में आया, कैसे भी बोल रहा है, कहते कॉन्शियस होके बात कर, बोलते हैं ऐसे। कॉन्शियस यानी जागृत होके, अवेयरनेस के साथ। तो जो हमारा, हम जागृत अवस्था में रहते हैं, वो हमारा कॉन्शियस लेवल होता है। फिर सब कॉन्शियस, उससे थोड़ा सा नीचे, जो हम जैसे मान लो कोई काम और कर रहे हैं, साथ में दूसरे विचार भी चल रहे हैं, वो हमारे सब कॉन्शियस में चलते रहते हैं। जब हम नींद में होते हैं ना, सपने आते हैं, नींद में होते हैं, तो नींद में हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम करता है, ठीक है। फिर अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस होती दमित, दबी हुई इच्छाएं इसके अंदर होती हैं, बचपन से लेके जो ऐसी बातें जिनको हम चाहते नहीं कि वो सामने आए, हमें पीड़ा दें, जो अनप्लीजेंट यानी जो दुख भरी बातें होती हैं, यादें होती हैं, वो सब हम अनकॉन्शियस में स्टोर कर लेते हैं, अचेतन में, जिनको हम चेतन लेवल पर लाना नहीं चाहते, ठीक है, वो सब अचेतन में आ जाती हैं। तो ये तीन लेवल बताए हैं हमारे मन के और कॉन्शियसनेस के, बोल सकते हैं चेतना के स्तर। समझ आया इतना? अब थ्री पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, थ्री पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, वो कौन कौन से बताए हैं? ईड, ईगो, सुपर ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। इसको ईड ऐसे लिखते हैं, ईगो, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम से लिखे आ जाते हैं, सुपर ईगो, सुपर ईगो। कई बार इसको अहम, इसको प्राहम बोल देते हैं, प्राहम ये आ जाते हैं, नाम यही होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, कौन से लेवल पे काम करते हैं, कैसे पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, वो सब हम एक जो चित्र होता है ना, फिगर, फिगर बना के समझेंगे, ताकि ये भी समझ आ जाए और ये भी समझ आ जाए। आगे को एक आइसबर्ग के रूप में बना सकते हैं। आइसबर्ग होता है ना, जो समुद्र में, उसमें ओशन में तैरता रहता है, ठीक है, ऐसे एक आइसबर्ग है। और यहां से ये, और ये हमने तीन लेवल बना दिए मन के। ये कौन सा है? कॉन्शियस, कॉन्शियस। ये कौन सा है? सबकॉन्शियस। और ये क्या, कौन सा है? अनकॉन्शियस। तीन लेवल हो गए, चेतन, अर्ध चेतन और अचेतन, ठीक है। अब इसमें ईड, ईगो, सुपर ईगो कैसे होता है? मान लो यहां से ये तो हो गया हमारा ईगो, और यहां से ये हो गया हमारा सुपर ईगो, सुपर ईगो, और ये सारा क्या हो गया हमारा? ईड। अब इस फिगर से कुछ समझ आया? ये यहां से नहीं आएगा, ये यहां से आएगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ ऐसे, ठीक है, और इसको यहां से कर देती हूँ। क्यों किया ऐसा मैंने? क्योंकि जो ईड होता है ना, ये पूरा का पूरा अनकॉन्शियस में होता है, अचेतन में होता है, तो ईड का कोई भी पार्ट यहां नहीं आना चाहिए ऊपर। तो ईड सारा कहां है? तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है हमारा? अनकॉन्सियस का, ईड का, ठीक है। और उससे बाद में ईगो, सुपर ईगो सबसे छोटा होता है। ये बात समझ आया? तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ईगो और सुपर ईगो कौन से भाग से है, तो ये तीनों लेवल में काम करते हैं। देखो, कॉन्सियस में भी, सबकॉन्सियस में भी, और अनकॉन्सियस, अनकॉन्सियस थोड़ा सा पार्ट होता है, और जो सुपर ईगो है ये कॉन्सियस में थोड़ा होता है, सबकॉन्सियस में और फिर अनकॉन्सियस में, और जो हमारा ईड होता है ये पूरा का पूरा अनकॉन्सियस में होता है, ठीक है, अचेतन में होता है। इतना समझ आया? अब ईड क्या है? ईड है ना, ईड का मतलब है खुशी, आनंद, प्लेजर, प्लेजर प्रिंसिपल पे ये काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल, खुशी मिल जाए वो काम करो,
ठीक है, इड को लैटिन भाषा के इट से बनाया है, किससे, इट से, इट का मतलब यह है, इट, जो भी अच्छा लगे तो वो करो, ठीक है, इट, इफ इट फील्स गुड डू इट, क्लियर। तो इड कहेगा जो भी अच्छा लगे आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो करो। फिर ईगो, ईगो एक पुलिसमैन करता है ना, क्या करता है पुलिसमैन, पाबंदी लगाता है कि भाई अगर ये करोगे ना, ईड की बात मानोगे सारी, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जो जैसा चाहे वैसा करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये रियलिटी बताता है कि वास्तव में कैसे जीना है, रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये वास्तविक सिद्धांत रियलिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो ये करता है प्लेजर पे। अब रह गया सुपर ईगो, सुपर ईगो किस पे करता है, मोरालिटी, नैतिकता, मोरालिटी प्रिंसिपल, समझ आया। ये होगा हमारा प्लेजर, खुशी, जो अच्छा लगे वो करो। ईगो कहेगा नहीं आपको सजा मिलेगी, नहीं करना है, बाहर से सजा मिलेगी, वो सोचते हैं, ठीक है, पुलिसमैन की तरह। और मोरालिटी होता है अपने अंदर मोरल वैल्यूज डेवलप हो जाती हैं, फिर हम अपने मन से ये सोच सकते हैं कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत है। तो ये हमारा सुपर ईगो होता है, ठीक है, ये समझ आया। अब ईड है ये कब होता है, कौन पर्सनैलिटी में, जब बच्चा जन्म लेता है, बिल्कुल छोटा बेबी होता है तो जब जन्म लेता है तो उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, उसको भूख लगेगी रोएगा, उसको खाना चाहिए चाहे कैसे भी हो, मम्मी कुछ भी कर रही हो, कोई कुछ कर रहा हो, उसे खाना चाहिए, उसे दूध चाहिए, ऐसे ही उसको पानी चाहिए, प्यास लगी है, उसको जो चाहिए वो उसको लेना है, उसको खुशी चाहिए बस। तो वो ईड पे काम करता है, ठीक है, तब क्या होता है उसमें ईड होता है। लेकिन थोड़ा बड़ा होता है उसको डिसिप्लिन अनुशासन सिखाया जाता है, ऐसे बैठना है, ऐसे खाना है, अगर नहीं मिला थोड़ी देर चुप होके बैठो वरना आपको बाद में भी नहीं मिलेगा, उसको सजा का भय दिखाया जाता है। तो उसको ईगो डेवलपमेंट होता है वहां पे उसका, ठीक है। फिर है सुपर ईगो, सुपर ईगो जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसमें अपने आप समझने की क्षमता आ जाती है और वो ये सुपर ईगो को प्राप्त करता है, क्लियर हुआ। ये काफी लोगों में नहीं भी हो पाता क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाते, वो ईगो तक रह जाते हैं कि भाई अगर करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, ठीक है। और इसके साथ और क्या बताऊं, ये तो हो गया। अब एक एक ईड को, ईगो को, सुपर ईगो को, इनके कुछ कीवर्ड्स होते हैं पेपर में बार बार पूछे जाते हैं ना, वो हम अब डिटेल से करेंगे थोड़ा सा। और अब हम करेंगे ईड, ईड के बारे में बताएंगे। तो ईड क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ईड है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्लेजर, खुशी का सिद्धांत होता है इसका, ठीक है, प्रिंसिपल। ये सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है पर्सनैलिटी का और प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव, ठीक है, और यानी सबसे बड़ा है और पहला भाग है। इससे आगे क्या है, जो ईड है ना ये लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इसका, इट, इट मतलब इट, इफ इट फील्स गुड डू इट, ये इट का मतलब ये है, अगर ये है, सही है, अच्छा लग रहा है तो करो इसे, ठीक है। तो ये सिद्धांत है ईड का, जो भी अच्छा लगे आप करो। और ये होता है इन्फेंट में, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन इन्फेंट, जो शिशु जब जन्म लेता है उस टाइम ईड होता है उसमें, ईड होता है। तो इसका मतलब क्या है, वो डिमांडिंग रहता है, डिमांडिंग रहता है, इलॉजिकल, अतर्कसंगत, वो अपनी डिमांड पूरी कराता है बस। और इसके साथ क्या है, ईड में और क्या प्रेजेंट होता है, जो अनप्लीजेंट, जो दुखदाई यादें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स, बायोलॉजिकल नीड्स,
बायोलॉजिकल नीड्स, जैविक जो हमारी आवश्यकताएं हैं जैसे भूख प्यास काम, ये सभी क्या है हमारे बायोलॉजिकल नीड्स हैं। सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर ये सब किसमें होते हैं, ईड में होती हैं, ठीक है। और इसके साथ जो फ्रॉयड ने सेक्सुअल डिजायर बताई है, यानी सेक्स की जो पूर्ति का आप बताई है, कामुकता बताई है, उसका मतलब ये इंटरक्रोस वाली सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, उसका मतलब है कि प्लेजर पाना, प्लेजर देने वाली क्रिया, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा है इस एज में जब इन्फेंट होता है तो वो शकिंग, चूसता, चूसना और फीडिंग, माँ के ब्रेस्ट से दूध पीता है और कोई भी वस्तु है वो चूसता है, अंगूठा चूसता है, कोई भी वस्तु उठा के मुंह में ले लेता है, तो वो अपनी जो ये है डिजायर है उसको पूरा करता है, उनका ये मानना था, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ईगो, ईगो क्या है, और एक बात बता देती हूँ, ईड है वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस होता है, पूरा का पूरा अनकॉन्शियस, अचेतन का भाग होता है, किसका, अचेतन, अनकॉन्शियस का पार्ट होता है। अब हम करें ईगो, तो ईगो क्या है, मोस्टली कॉन्शियस होता है, मोस्टली कॉन्शियस, इसका ज्यादा भाग वो कॉन्शियस होता है, हम अवेयर रहते हैं तब हमारा ईगो काम करता है, तो इसका मतलब ये रियलिटी है, संसार को हम जैसे देखते हैं, वास्तविकता का सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ईगो है ये भी लैटिन वर्ड है, ईगो है ये लैटिन वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आई, आई यानी सेल्फ, स्वयं, आई यानी सेल्फ, ये याद रखेंगे। और ईगो में, ईगो जो टॉडलर यानी इन्फेंट, शिशु से थोड़ा बड़ा होता है जब सिखाते हैं, उसमें ईगो डेवलप होना शुरू हो जाता है, इसमें हमारी जो वो होती है ना लॉजिकल तार्किक बातें, रेशनल, रेशनल थॉट्स, वो सारे शामिल होते हैं कॉन्शियस में, ईगो में, क्लियर हुआ। ईगो है वो ईड और सुपर ईगो में पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, दोनों को आपस में संतुष्ट करने की कोशिश करता है, ईड की जो इच्छाएं हैं और जो ईगो सुपर ईगो है वो बताता है कि भाई क्या करना चाहिए, उसकी मोरल वैल्यूज, उन दोनों में बैलेंस कौन बनाता है, पुल का काम कौन करता है, ईगो, क्लियर हुआ। इसके बाद है सुपर ईगो, सुपर ईगो थर्ड है, सुपर ईगो थर्ड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी और मोरल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, मोरल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। और मोरलिटी सिद्धांत होता है इसका, मोरलिटी प्रिंसिपल, इसके बेस काम करता है ये प्रिंसिपल। और क्या करता है सुपर ईगो, सुपर ईगो जो स्कूल, प्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज होता है उसमें डेवलप होता है, बच्चे को स्कूल में जाने से पहले पता होता है कौन टीचर है, किसको कैसे विश करना है, कैसे क्लास में बैठना है, कैसे वहां पे डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। उसको रूल्स और कस्टम, समाज के नियम और ये भी पता चल जाता है। सुपर ईगो में दो वर्ड यूज होते हैं कई बार नेट में या फिर और किसी हाई लेवल परीक्षा में पूछ लेते हैं, एचटेट में तो नहीं आया अब तक, वो क्या वर्ड है, सुपर ईगो कॉन्शियंस, कॉन्शियंस एंड ईगो आइडल, ईगो आइडल। जो कॉन्शियंस होती है ना इसका मतलब है अंतरात्मा, अंतर ज्ञान, अंतर आवाज, व्यक्ति के अंदर जो आवाज होती है, अंदर से ज्ञान होता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो है हमारा कॉन्शियंस। और ईगो आइडल होता है मोरल बिहेवियर, मोरल बिहेवियर, बस इतना याद रखना कि ये दो शब्द हैं ये भी हमारे सुपर ईगो में शामिल है, ठीक है, क्लियर हुआ।
अब बात करें कि ये तीनों हैं ईड ईगो सुपर ईगो, तीनों मिलकर कैसे काम करते हैं। एक व्यक्ति के अंदर तीनों होते हैं, ठीक है, सभी के अंदर तीनों होते हैं, तीनों पार्ट होते हैं, कॉन्शियस सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस तीनों होते हैं, ईड ईगो सुपर ईगो तीनों होते हैं। तो काम कैसे होता है फिर, हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हम काम कैसे करते हैं। अब मान लो ईड है, ईड क्या करेगा, डिमांड करेगा, बायोलॉजिकल नीड्स हो सकती है, सेक्सुअल नीड हो सकती है, कोई भी डिमांड करेगा भाई मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब सुपर ईगो क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा कि आपको किस तरीके से लेना चाहिए, वो जो बात बताएगा वो कौन बताएगा, सुपर ईगो बताएगा। ईगो क्या करेगा, प्लान करेगा, प्लानिंग करेगा डिमांड को पूरी करने के लिए, ठीक है। तो ईड डिमांड करता है, ईगो प्लान करता है, काम करने के लिए तैयार होता है, और सुपर ईगो उस पर प्रतिबंध बताता है, मानदंड बताता है कि भई ऐसे काम करोगे ये सही है ये गलत है। हुआ क्लियर, इतना तीनों मिलके काम करेंगे। अब अगर ईगो है, ईगो क्या हुआ फिर, पुल का काम हुआ ना, डिमांड ये ईड और सुपर ईगो के बीच में ये एक पुल का काम करता है। तो ईगो अगर इन दोनों को सेटिस्फाई, ईड की तो सेटिस्फेक्शन चाहिए उसको, डिमांड है उसकी पूर्ति चाहिए, और सुपर ईगो की भी सेटिस्फेक्शन चाहिए भाई, उसका मानदंड भी पूरा होना चाहिए। तो अगर इन दोनों में बैलेंस रख सकता है, ऐसी प्लान से काम करता है तो नॉर्मल काम कर चलता रहता है, और अगर इन दोनों में वो सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाया, इन दोनों में आपस में क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन सहमति नहीं हुई, ईड कुछ चाह रहा है सुपर ईगो कुछ कह रहा है और उसमें सहमति नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, एंजाइटी यानी चिंता उत्पन्न हो जाएगी। ये सोच के देखना किसी भी काम के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, चिंता उत्पन्न हो जाएगी। चिंता भी तीन तरह की बताई है लेकिन इतना हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो चिंता उत्पन्न हो गई, चिंता जब लंबे समय तक कंटिन्यूअसली चलती रहती है तो वो कंफ्लिक्ट बन जाती है, क्या बन जाती है, कंफ्लिक्ट यानी द्वंद्व, व्यक्ति के अंदर द्वंद्व चलता रहता है जिसके कारण उसमें बीमारियां उत्पन्न होती है, डिजीज, लॉन्ग टर्म डिजीज होती है ना, डायबिटीज है या फिर कोई कार्डियोलॉजी सॉरी ये हार्ट डिजीज है, ठीक है, या बीपी की हाइपरटेंशन है, ये सभी किससे होते हैं, कंफ्लिक्ट से होते हैं। तो क्या हुआ, हमारा ईगो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन जब वो वहां पे फेल हो जाता है, उसको नहीं समझा पाता, तो वहां पे हमें एंजाइटी उत्पन्न होती है। एंजाइटी अगर लंबी चले तो कंफ्लिक्ट होता है, कंफ्लिक्ट से हम ज्यादा टाइम तक रहे तो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, फिर स्ट्रेस किस में जाता है, डिप्रेशन में जाता है। ये बड़ा प्रोसेस है, इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर सिगमंड फ्रायड की थ्योरी समझनी है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। इस थ्योरी में एक वर्ड आता है इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट यानी मूल प्रवृत्ति, ये वर्ड आता है, छोटी सी है बस, ये कंसेप्ट देखना क्या होता है कि बॉडीली एक्साइटेशन इननेट यानी जन्म से अंदर होती है, इननेट बॉडीली एक्साइटेशन को कहते हैं इंस्टिंक्ट, क्या कहते हैं, इंस्टिंक्ट कहते हैं, मूल प्रवृत्ति होती है। अब ये मूल प्रवृत्ति दो पार्ट होते हैं, इसके मूल प्रवृत्ति के टू पार्ट होते हैं, नंबर वन लाइफ इंस्टिंक्ट और सेकंड होती है डेथ इंस्टिंक्ट, ठीक है। अब लाइफ इंस्टिंक्ट यानी जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट को कहा है इरोज, क्या कहा है, इरोज, और इसका नाम दिया है थैनाटोज, ठीक है। ये हो गया हमारा इरोज, ये हो गया थैनाटोज। अब इरोज है, बस इतना याद रखना है आपको, लाइफ इंस्टिंक्ट का नाम इरोज है, हिंदी में भी इसको इरोज है, इरोस बोल देते हैं, इरोस, और ये थैनाटोस, ठीक है। अब
ये जो लाइफ वर्ड है ना, इसका एक पार्ट है सेक्स इंस्टिंक्ट। लाइफ का ये पार्ट है सेक्स इंस्टिंक्ट, इसको इन्होंने अलग बताया है, काम प्रवृत्ति, ठीक है, काम मूल प्रवृत्ति। और ये किससे ड्राइव होता है, लिबिडो बोला है उसने, लिबिडो, बस नाम याद रख लेना। जो सेक्स से रिलेटेड है हमारी एनर्जी, उसको लिबिडो बोला है, और डेथ इंस्टिंक्ट को थैनाटोस बोला है, लाइफ इंस्टिंक्ट को इरोस बोला है। ये फ्रॉइड ने नाम दिए इनके, याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ ही अब कल हम करेंगे जो इसकी थ्योरी है, इसकी स्टेजेज हैं कि भाई बच्चा है उस टाइम कैसी पर्सनैलिटी, उस स्टेज का क्या नाम है, उससे आगे क्या है, तो वो हम मनोलैंगिक जो सिद्धांत है, थ्योरी है, वो कल करेंगे, इसलिए जरूर देखना। और कैसा समझ आया ये भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर भी करना, काफ़ी सारे लोगों को ये समझ नहीं आती कि ये थ्योरी क्या है। क्लियर हुआ? आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।